तो गाइस अब हम जा रहे हैं 64 योगिनी मंदिर और वहाँ पर जाके शानदार ब्लॉग बनने वाला है, क्योंकि रास्ते का नज़ारा भी बहुत ही शानदार है। ठंडा मौसम है, ज़्यादा धूप नहीं है, बारिश और हो जाएगी तो और बहुत ज़्यादा मस्ती होगी। तो मिलते हैं आपसे 64 योगिनी मंदिर पर जाके। जब तक आप हमारे साथ जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं रास्ते में, उस पर जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस जब आप 64 योगिनी मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और चार तरफ देखिए, चारों साइड पहाड़ियां हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और रोड की तो आप टेंशन ही ना लें, और रोड भी बहुत शानदार है। पीछे रह गए हैं रवि और राघव, आ रहे हैं दोनों, और हम चार लोग हैं जो आज आए हैं घूमने के लिए। देखिए चार साइड बहुत शानदार नज़ारा है और चारों तरफ पहाड़ियाँ भी हैं। योगी चला रहा है गाड़ी और रोड भी काफ़ी शानदार है। देखिए और दोनों आ गए हैं पीछे। गाँव वाला हम गए थे ना, नलिकेश्वर, वो वाला बटेश्वर पर्यटन मंत्रालय भारत देख लो। तो गाइस हम आ गए हैं बटेश्वर, बीच रास्ते में मिला हमको बोर्ड, दिखाना चाहिए, दिखा दिया बोर्ड मैंने पहले ही। और आ गए बटेश्वर, जब नलिकेश्वर गए थे तो इसका वहाँ था झलक थोड़ी सी और यहाँ पर है कुछ। तो गाइस अब हम आ गए हैं बटेश्वर, और बटेश्वर जाते हैं और हम पहले ही उससे पहले थोड़ा और व्यू अच्छा दिखा यहाँ पर घूम के, फिर हम अंदर बटेश्वर जाने वाले हैं। फिर इसके बाद जाएंगे हम 64 योगिनी मंदिर। तो आज हम 3-4 जगह घूम के जाने वाले हैं, तो मैं देख कर आता हूँ ऊपर कैसा व्यू है, अच्छा है होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि योगी ने तो बना लिया है वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना रहा था वो इंस्टाग्राम के लिए। और नीचे है रवि, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर जीनों से और दिखाते हैं आपको यहाँ छोटे छोटे अच्छे अच्छे नज़ारे हैं देखने लायक। बहुत शानदार जगह है बटेश्वर देखने के लिए। देखिए चार साइड कितनी पहाड़ियाँ हैं और हरा हरियाली है, क्योंकि बारिश हो रही है, शानदार बारिश, काफ़ी बारिश हुई है। हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी अच्छी जगह है। तब ये योगी कुछ, हाँ योगी, कोई भी एक भी शिल्प ऐसी नहीं है जिसको खंडित ना किया गया हो। और आगे आइए, ये आइए, ये देखिए गाइस, हर जगह से शिल्प को तोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पुराने इतिहास में कितने प्रकार, कितनी अच्छी प्रकार की कारीगरी रही है। यहाँ पर देखिए मूर्तियों को कितनी सुंदरता के साथ बनाया गया है, और ये काफी अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ एक एक चीज आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से महिलाएं उन्होंने आभूषण पहन रखे हैं। ये देखिए इनकी आभूषण, एक एक तरीके से आप समझ सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। और देखिए चार साठ पहाड़ियाँ कारीगरी की गई है, जो कारीगर थे पिछले जमाने के वो काफ़ी शानदार थे, बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी करते थे। देखिए जगह अच्छी है देखने लायक, और अब हम दूसरी जगह जाएंगे इसी के आगे। जो मुगल साम्राज्य रहा था ना उस समय के दौरान की बात है, ये सभी मूर्तियों के पैर थे। घुमा के एक बार दिखाइए, ये देखो ये जितनी भी मूर्तियां हैं सभी के पैर थे। जैसे कि इस मूर्ति का आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा खंडित किया गया है, तोड़ तोड़ के देखो ये सारी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, किसी में भी पैर नहीं है। इधर देखिए ये पैर छपे हुए हैं, बट यहाँ से खंडित करने के लिए इनको तोड़ा गया है। और काफी मजबूत पत्थर की मूर्तियां हैं ये, क्योंकि ऊपरी हिस्सा नहीं तोड़ सके ये लोग, तो उस कारण से इन लोगों ने सिर्फ पैर वाला हिस्सा तोड़ा है, जो कि थोड़ा बारीक होता है, आराम से टूट जाता है। पूरा प्लर एक पत्थर को काट कर उस पर छेनी हथौड़े चला चला कर बनाए। ये देखिए एक सांकर की कड़ी होती है, कितनी शानदार कारीगरी देखिए आप ऊपर की साइड, बहुत ही जबरदस्त कारीगरी दिखाई गई है इसमें। गाइस तुम्हारा मन मोह जाएगा इस चीज को देखकर, एक बार जरूर आइए। हाँ बटेश्वर देखने आइए, मेहताबली पड़ावली से आप पहले ही ये जगह देख पाएंगे। और बारिश हो गई है तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है देखने के लिए। देखिए गाइस कितनी अच्छी कारीगरी है, कितनी अच्छी कारीगरी दिखाई गई है। देखिए गाइस कितना सुंदर जो एंट्रेंस गेट है अंदर वाला, कितनी अच्छी दिखाई गई है देखिए। तो गाइस देखिए क्या शानदार जगह है ये घूमने के लिए।
बटकेश्वर मेहताबली पड़ावली के पहले ही मिलती है ये, और अच्छा है काफ़ी व्यूज़, और 400 पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छी हरियाली है। और इसके आगे हम जाएंगे, और आगे ही बहुत अच्छे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, अभी वहाँ जाना हमको बाकी है। तो आज हमारा जो सफ़र है आज का, वो चार जगह हो जाएगा कि हम चार वीडियो बना सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम जाते हैं, थोड़ा आगे और हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएंगे आपको, और ये सभी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं तो कुछ यादें होनी चाहिए, जिससे हम उनको सहेज कर रखें और आप लोग हमेशा देखते रहें मेरे चैनल पर। सो हम सभी मित्र अभी गए थे मंदिर के भीतर, अब मंदिर के भीतर से आ रहे हैं आदित्य भैया उतरते हुए सीढ़ियों से, ये देखिएगा। और गाइस ये हैं आदित्य भाई, ये अभी मंदिर गए थे हम लोग, वहाँ पर हम लोग पहले आ चुके हैं, जो कि रवि, राघव, मेरी गाड़ी, रवि की गाड़ी और इसकी गाड़ी, और अभी ये था मंदिर। तो गाइस ये गाड़ियाँ हैं हमारे पास, जिनसे हम आते हैं जगह जगह घूमने के लिए, छोटी छोटी गाड़ियाँ, क्योंकि अभी हमने बड़ी ख़रीदी नहीं है इसलिए। तो अभी हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि हम कितनी शानदार जगह पर घूमने आए। सो हेलो मित्रों, आज हम आए थे बटेश्वर धाम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप करा है, ठीक है, 2017-18 में इसको डेवलप किया गया है, मेंटेनेंस इसका रखा जाता है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है, आप ये पड़ता है हमारा ग्वालियर से 16-17 किलोमीटर दूर, मेहताबली पड़ावली के बगल में। तो आप यहाँ पर आइए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पर, आप देखिए।